भारत ने चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग का फैसला किया, वही साउथ पोल जहां पर आज तक दुनिया का कोई भी मुल्क नहीं गया है। भारत की सफल लैंडिंग का मतलब है सिर्फ चांद ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड को लेकर कई अनसुलझी गुत्थियों के सुलझने की संभावना। ऐसा क्यों है आपको इस रिपोर्ट में दिखा। चांद पर चंद्रयान, राज खोलेगा हिंदुस्तान। क्या चांद पर इंसानी बस्ती कभी संभव है? क्या चांद पर पानी और ऑक्सीजन है? भारत के मिशन से सुलझेगी कई गुत्थी। इंसानी सपनों की ताकत से धरती के पार, चांद पर सबसे बड़ी खोज के सफर पर निकला चंद्रयान चंद घंटों के बाद नया इतिहास लिखेगा। क्योंकि हिंदुस्तान का मिशन चांद दुनिया के लिए अंतरिक्ष में आगे जाने का रास्ता खोल देगा। मिशन चंद्रयान से दुनिया को कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं, वही जवाब जो चांद पर जीवन की संभावना और पृथ्वी की उत्पत्ति को समझने में मददगार साबित होगा। शुभ समाचार पूरे विश्व को दे पाएंगे कि भारत दक्षिण ध्रुव पे अपने लैंडर को उतार पाए सफलतापूर्वक, तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी हमारे वैज्ञानिकों के लिए, हमारी तकनीकी कार्यकुशलता के लिए। दरअसल चंद्रयान 3 की लैंडिंग चंद्रमा के साउथ पोल पर होगी। चाहे अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, सभी चांद पर गए लेकिन साउथ पोल पर कोई नहीं गया। साउथ पोल चांद का वो हिस्सा है जहां जीवन की संभावनाओं के द्वार को तलाशा जा सकता है। ये चांद का वो हिस्सा है जिस पर अरबों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पड़ी है। माना जा रहा है कि इस हिस्से में बर्फ और अहम खनिज पदार्थ हो सकते हैं। पहले देखना है कि वहां चांद पे पानी है कि नहीं, ये पानी की खोज ये सबसे महत्व का उसका उपयोग होगा। फिर वहां से उष्णता किस तरह से बहती है उसके लिए एक प्रयोग है। उसके ऊपर हम जैसे पृथ्वी पे भूकंप होता है उसी तरीके से चांद पे भी कंप होता है क्या, ये नापने के लिए एक उसका इंस्ट्रूमेंट भी है और लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर लगाए है कि जो वहां चांद पे छोड़े देंगे और उसके बाद भी हम पृथ्वी से वहां तक लेजर का प्रकाश डाल के वो परावर्तित होगा, तो इससे हम यहां से चांद का जो अंतर है वो अच्छी तरह से एक सेंटीमीटर की एक्यूरेसी से हम नाप सकेंगे। चांद पर जीवन की संभावना के साथ साथ हमें पता चल सकता है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब हुई, उससे पहले पृथ्वी पर जीवन क्यों नहीं था, यहाँ तक कि ब्रह्मांड कैसे बना जिसमें हम रहते हैं, उसका जवाब भी चांद से मिल सकता है। मतलब चांद से वैज्ञानिकों को कई अहम सबूत मिल सकते हैं। साइंस का डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट को लीड करता है, साइंस का डेवलपमेंट से ह्यूमन डेवलपमेंट जरूर पक्का होता है। हम एक दो चीज के ऊपर स्पेकुलेशन कर सकते, ये लैंडिंग से हम हमारा वो रोवर है ना, वो एक छोटा सा कार के तरह वो चांद के इधर उधर घूमेगा, वो चांद का सतह में उसका मिट्टी में चांद का मिट्टी में क्या क्या मिनरल्स है वो खोज कर। यहाँ आपको याद रखना है कि नासा और इसरो ने चांद के ही उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर बर्फ की खोज की है। इस खोज ने चांद पर इंसानी रिहायश की उम्मीद जगा दी। क्या धरती की तरह चांद पर भी कभी इंसानों के घर होंगे, इसे लेकर लोगों के मन में तरह तरह के सवाल हैं। सवालों के जवाब में वैज्ञानिक क्या कहते हैं आपको थोड़ी देर में बताएंगे। उससे पहले चांद को लेकर कुछ जरूरी बातें समझिए।
अब तक चांद पर हुई शोध से पता चला है कि चांद पर -180 डिग्री का तापमान है, यानी इंसानी जिंदगी के जीवन की संभावना नहीं है। चांद पर कोई वातावरण नहीं है, लेकिन चांद पर बर्फ है या पानी? अगर पानी है तो जीवन की संभावना है। वहीं पृथ्वी की तुलना में चांद का गुरुत्वाकर्षण 6 गुना कम है। चांद पर हीलियम-3 काफी मात्रा में है, जो पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि चांद पर हीलियम-3 की मौजूदगी अपने आप में कई संभावनाओं को जन्म देने के लिए काफी है। चांद का जो गुरुत्वाकर्षण है, उससे हमें हम देख सकते हैं कि धरती पे जो समुद्र है उसमें टाइड्स आ जाती है, और इससे उसकी जो शक्ति है गुरुत्वाकर्षण की थोड़ी सी कम हो जाती है। इसी से कारण से चांद एक साल में 2.5 सेंटीमीटर अपने से दूर जा रहा है। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए aajtak.in पर जरूर जाएं, और अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप, और लगातार जुड़े रहिए आज तक के साथ। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। दिन भर की हर खबर से मेरे साथ रहिए खबरदार। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए aajtak.in पर जरूर जाएं, और अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप, और लगातार जुड़े रहिए आज तक के साथ। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। दिन भर की हर खबर से मेरे साथ रहिए खबरदार। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।